खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वित्त मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट थी कि अभी तक सिलेंडर के रेट्स जो हैं लगातार 5 साल से बढ़ रहे हैं, अभी इलेक्शन आ गए हैं तो ये रेट्स कम हो गए हैं, तो ये रिक्वेस्ट थी कि अभी रेट लगातार ना बढ़े, अब जिस लेवल पे आ रहे हैं उसी लेवल पे ही रहे। सबसे पहले तो सिलेंडर के भाव कम कर दिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत हम ग्रेटफुल होंगे प्रधानमंत्री के कि अगर महिलाओं को अलग से टैक्स लाभ में कुछ रियायत मिले, और एज कम्पेयर टू मेन हम घर भी देखते हैं बाहर भी देखते हैं तो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स तो हमें मिलने ही चाहिए। मौजूदा लिमिट जो 3 लाख की है वो बहुत ही कम है महिलाओं के लिए। 3 लाख की लिमिट बढ़ाकर कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। सिलेंडर के बारे में देखते हैं तो 2 सालों से 3 साल से हम देख रहे हैं कि सिलेंडर के रेट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा तो कहीं फ़ायदा नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं पेट्रोल के रेट देखें, डीजल के रेट देखें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दालों के रेट देखें बढ़ते जा रहे हैं। जो नित्य उपयोग में वस्तु है गैस, उसकी कीमत कम से कम होनी चाहिए। आजकल जो कीमत है वो बहुत है, और जो 12 सिलेंडर का जो रखा हुआ है सब्सिडी का वो भी निकाल देना चाहिए। घर चलाना कैसा, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। देखो गेहूँ इतना बढ़ गया है, मूंग दाल सब, तूर दाल और गैस लाइट बिल, कैसे लोग जी सकेंगे। नहीं, हम लोग यानी मिडिल क्लास लोगों के तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। रेल मंत्री जी की अगर कुछ व्यवस्था ना बढ़ा पाए तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ट्रेन टाइम पे रहे तो कम से कम जाने आने वालों को दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। ट्रेन में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, ना हमारा सामान सुरक्षित रहता है। पहले तो लगता था कि स्लीपर में एसी कोच में हम सुरक्षित रहें, मगर आज एसी कोच में अगर थर्ड एसी में दिया जाए तो थर्ड एसी में भी हमारा सामान सुरक्षित नहीं है। रेलवे की व्यवस्था ठीक नहीं है, जितना भी हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं चाहे जो भी उचित पैसा हम लोग देते हैं, फिर भी 7 घंटा 8 घंटा ट्रेन लेट चलती है, और जो जिस जरूरत काम के लिए जाता है वह छूट जाता है। मैं माननीय रेल मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस विधि व्यवस्था को अच्छी तरह से सुधारे। माननीय रेल मंत्री से तो यही कहेंगे कि समय से गाड़ी पर ध्यान दे, कि समय से गाड़ी आए तो यात्री को सुविधा होगी आने जाने में। मंत्री से यही कहना चाहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो ट्रेन चल रही है उनको कृपया टाइम शेड्यूल अच्छा से कर दें। टाइम जो एक्चुअली है उस पर कोई भी ट्रेन नहीं चलती है, जो ये आरा और पटना, खासकर आरा और बक्सर के बीच में है और पटना के बीच में, वो सारी ट्रेनों पर बहुत सारा प्रॉब्लम है। रेल मंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रेन हमेशा टाइम पे चलनी चाहिए, और रिजर्वेशन में भी प्रॉब्लम होता है कि बिना रिजर्वेशन के भी लोग आके बैठ जाते हैं, रिजर्वेशन का तो कोई पर्पस ही नहीं मिलता है। ट्रेनें इतनी हो गई है एक टेक पे तो क्या है कि आगे के आगे निकलना क्या है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समय सारणी एक ऐसी बनानी चाहिए, क्या है कि समयबद्ध तरीके से कम अपन क्या है कि फॉरेन में जो रहता है अपन 10 साल पीछे चल रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।